Hey guys, welcome to the Madhu Chaudhary podcast. आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. राम की गाथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन आज हम सुनेंगे गाथा श्री राम मंदिर की मशहूर अभिनेता एवं वक्ता मोहित शेवानी जी से. तो आइए मिलते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पर. बहुत धन्यवाद. कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ. और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपका ये म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग का जो ये आपने कॉन्सेप्ट रखा है श्री राम मंदिर के ऊपर, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. इसमें मैं संशोधन कर देता हूँ, ये मेरा नहीं है, राम का है और आप सबका है. अरे बिल्कुल. ये इसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा. ये राम का काम है और ये उन सबका है जो राम में आस्था रखते हैं, राममय है और जिनके लिए राम एक आचरण है और विचार है. ये उन सबका कार्यक्रम. आपकी आस्था है राम में? बिल्कुल है, निश्चित होनी चाहिए. अगर मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मेरी आस्था है. तो आपको ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कैसे ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ स्टोरी टेलिंग की जाए? कहते हैं विचार ईश्वर खुद देता है. मुझे मैं कोई भी श्रेय इस राम गाथा का जो होने वाला है, राम मंदिर गाथा का, स्वयं नहीं लेना चाहूँगा. हम लोग नागपुर में एक कार्यक्रम में थे. मेरे मित्र हैं प्रबुद्ध सौरभ जी, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम लिखा भी और डायरेक्शन भी दे रहे हैं. वो कार्यक्रम करके हम होटल पहुँचे और मिला जुला कार्यक्रम था, संगीतमय गाथा थी, इसी प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट था. हम जब लौटे तो हमने आपस में चर्चा की कि ये जो आज हम करके आए हैं, वो करके आने के बाद हमें ऐसा लगा कि किसी दिशा में शायद हमें एक इशारा हुआ है कुछ करने के लिए. अच्छा. तो हमने विचार किया कि क्या करें जो और लोगों तक भी पहुँचे और राम के नाम को और हम सनातन के धर्म को, हिंदू धर्म को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसका प्रचार करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें. तो प्रबुद्ध सौरभ जी और मैं साथ में ही थे और एक उस समय एक अदृश्य शक्ति ने हमको ये विचार दिया, ये हमारा नहीं है, कि हम राम मंदिर गाथा करेंगे. हमने पहला विचार हमारा था कि हम राम कथा करेंगे. अच्छा. पहला विचार यही था. दूसरा विचार साथ ही साथ आया कि राम कथा कही जा रही है और हमसे कई अच्छे लोग, अच्छे कथावाचक हैं जो कह रहे हैं. हम ऐसा क्या करें जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करें. एक कलाकार के नाते थोड़ा सा मैं स्वार्थी हो रहा हूँ, स्वयं के नाते मैं ऐसा क्या योगदान दूँ इस महायज्ञ में कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकूँ. तब मुझे लगा कि इतिहास के उन पन्नों को किसी कारणवश नहीं बताया गया है. मैं उस कारण पर नहीं जाऊँगा, उन व्यक्तियों का नाम नहीं लूँगा अभी जिन्होंने किसी कारणवश सही इतिहास नहीं बताया. तो प्रबुद्ध सौरभ जी की मदद से आज हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमको राम ने चुना है राम मंदिर गाथा करने के लिए. इसके लिए आप दोनों को ऑल द बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेज हमारी तरफ से. सर आपने सनातन का जैसे नाम लिया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअली में क्या है सनातन, सनातनी धर्म या ऐसा विश्वास क्या है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? सत्य राह पर चलना, अपने प्रभु में आस्था रखना, सही आचरण करना. राम का नाम लेना आसान है, राम का अनुसरण कर देना बहुत कठिन है. अगर राम के आचरण का अनुसरण करेंगे तो आप सनातन को मानते हैं. यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसकी बहुत डिफाइन करेंगे, इसमें बहुत कठिन शब्द लगा सकते हैं, इसमें संस्कृत के श्लोक लगा सकते हैं, इसमें रामायण की चौपाइयाँ जोड़ी जा सकती हैं, पर अंत यही निकलेगा कि राम का अनुसरण करना, हिंदू धर्म जो हमारा है, पूजा पाठ जो हमारी प्रणाली है, जो हमें ऋषियों ने वेदों में बताई गई है, जो हमारे संतों ने हमको बताया है, वह सनातन धर्म है. सत्य राह पर चल के अपने काम को ईमानदारी से करते रहना, किसी का नुकसान के बारे में सोचना भी नहीं. हमने कभी किसी पे प्रहार नहीं किया. हम जब जब भी लड़े तो लोगों ने हम पे प्रहार किया, हमने जवाब, वो एक्शन का रिएक्शन दिया. इतिहास में कोई भी नहीं कहेगा कि हिंदू राजा ने आके ऐसा किया था. इतिहास यही कहता है कि अकबर आया था, बाबर आया था, औरंगजेब आया था, फिर मेहताब सिंह जी लड़े थे, रणविजय सिंह जी लड़े थे, फिर ये इतिहास ऐसे बना है. तो हमने कभी किसी का छीना नहीं है, लोग हमें छीनने आए. हमने जवाब दिया है, शौर्य के साथ दिया है. शिवाजी महाराज हमारे पास है, हमने शौर्य का उदाहरण और अनुसरण किया है. ये सनातन धर्म है कि सही राह पर चलना और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका डटकर जवाब देना. जी सर, कहते हैं कि राम राज्य देखना या राम राज आ जाए या आएगा या हम अपनी उम्र में, हम अपने कार्यकाल में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे राम राज. अगर आज के सिनेरियो में मैं बात करूं तो क्या ऐसे चेंजेस हों तो राम राज्य कहलाएगा? मुझे लगता है राम राज्य आ रहा है. पहले तो अच्छा. हमें सबसे पहले सकारात्मक होना पड़ेगा. आप और मैं राम राज्य लाएंगे. ये जो दर्शक देख रहे हैं ये राम राज्य लाएंगे.
कोई नेता आके कोई कानून या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं आने वाला है कि वो राम राज्य कहलाएगा, कोई आईपीसी का कोई एक्ट नहीं बनने वाला है कि वो राम राज्य होगा। जब आप राम की राह पर चलने लगेंगे, राम के बताए हुए काम को करने लगेंगे, आप भक्त हनुमान की तरह श्रद्धा अपने भगवान में रखेंगे। अब इसको मैं बहुत चलित भाषा में समझाऊं जो अभी ऑडियंस देख रही है, कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अपने बॉस के प्रति श्रद्धा अच्छी रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बॉस गया तो पीछे आपने बिचिंग चालू कर दी। आप अगर सच्चे भक्त होकर जहां बैठे हैं अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो आप राम राज्य की खुद परिकल्पना आपके हाथ में, आपको कैसा राम राज्य चाहिए। आज जो सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, जो भी जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, ये राम राज्य से ही आई हुई है। ये दंड जो हम आईपीसी एक्ट बने, कानून बना, सब वहीं से ही है। ये टैक्स जो आप आज लेते हैं, राम राज्य का ही है, वहीं से ही निकला हुआ। ये गंगा है जो बही है, सबने अपना अपना एक घूंट पानी लिया और उसको लोगों तक बहुत खुद ज्ञानी बन गए। हम कहते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, एक्चुअली किया तो मेरे राम ने, हमने वहां से चुराया या कहें कि अनुसरण किया, उठाया, अपना नाम चिपकाया और लोगों को दे दिया, है तो सब मेरे राम का। तो सर, जैसे सेक्युलर आपने बोला, तो जैसे इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, तो अगर राम मंदिर बन रहा है या इतना जो इतना लंबा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो सेक्युलरिज्म को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट करेगा इंडिया राम मंदिर के तौर पे? कर ही रहा है। देखिए, भारत की पहचान राम से है, तो अब राम को भारत की जरूरत नहीं है, भारत को राम की जरूरत है। तो हमारी पहचान तो राम से ही है। सेक्युलरिज्म ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, जब हमारे यहाँ G20 होता है, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तो कोई हमारे शारिक मियाँ इवेंट कर रहे होते हैं, कोई शोएब भाई साउंड कर रहे होते हैं, ये सेक्युलरिज्म है। हम कभी नहीं कहते कि हम शारिक मियाँ और शोएब भाई को दूर रखेंगे। यहाँ दिखता है कि हमारा आपस में कितना प्यार है। कोई मैथ्यूज आके लेक्चर दे रहा होता है, संचालन कर रहा होता है, कोई शर्मा होता है जो बाकी व्यवस्थाओं में लगा होता है, तो ये सेक्युलरिज्म, हम सब साथ में होते हैं। ये आपने या हमने प्रश्नों के कारण हमने बांट दिया। मुझे लगता है ऐसे प्रश्नों का संशोधन करके हम सेकुलरिज्म हमारा जो है, हम दिखा रहे हैं हम कितना साथ में हैं। अभी अलग से इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, किंतु इसमें मैं एक जरूर नोटिस जैसा अपने स्टेटमेंट में लगाना चाहूँगा, कोई गलत करेगा उसको जवाब भी दिया जाएगा। सिर्फ मैं अपनी छवि सुधारने के लिए, देखिए व्यवस्था इसीलिए बनाई जाती है कि उसका पालन हो, व्यवस्था बनाई भी इसलिए जाती है। तो हम ही अगर व्यवस्था बिगाड़ेंगे कि हमारा हमारे अच्छे लोग, जैसे आप समझिए कि किसी सभागृह में 4 फ्रंट रो हो और हमारी व्यवस्था है कि यहाँ VIPs को बिठाया जाएगा, हर कार्यक्रम में होता है, और हम में से ही कोई आता है कि नहीं नहीं यहाँ ये वाला आप अभी उठा दो, हम व्यवस्थापक की व्यवस्था बिगाड़ते हैं, तो हम अपनी व्यवस्था खराब करते हैं। तो जब हम कठोर होते हैं तो लोग कहते हैं ये कठोर है, ये तो आगे बैठने नहीं दे रहा, छवि खराब, और छवि सुधारने के चक्कर में हम बिठाते हैं तो कार्यक्रम खराब कर देते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि हमें अपनी व्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा। कुछ नाराज है तो उनको समझाना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा, उनको सही दिशा दिखानी पड़ेगी। सर, धर्म को हम बहुत स्ट्रांग मानते हैं, मानना भी चाहिए। हाँ जी, पर why it becomes so vulnerable जब it comes to attacking? जैसे हमने कहा कि हमें पूरा हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ कि आके अटैक किया, इवन जो राम मंदिर को इतनी बार अटैक किया, तो धर्म को इतना वल्नरेबल क्यों बनाया जा रहा है और क्यों इतनी ज़्यादा ठेस पहुंच जाती है अगर हमारे धर्म को कोई कुछ कह दे, या उसी को आक्रमण करता है कोई, या उसी पे मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े धर्म के नाम से क्यों हो रहे हैं? अच्छा सवाल है, इसके लिए तो पहले आपको बधाई। थैंक यू। धर्म, धर्म आपने, बहुत बड़ा शब्द है, वैसे तो बहुत छोटा है दिखने में, बहुत बड़ा इसके अंदर समावेश है। अकबर, बाबर, औरंगजेब अगर सनातन पे प्रहार नहीं करते तो अपने लोगों में कैसे बड़े होते? उनको बड़ा होना था ना। और यहाँ और बड़े की लड़ाई बड़े से होती है, ये तो बहुत छोटे थे हमारे सामने, तो उन्होंने सनातन को चुना, तो अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों में उनकी वाहवाही हुई। आपको प्रहार, बड़े पे प्रहार इसलिए किया जाता है कि मैं बड़ा दिखूं, और धर्म सबसे बड़ा है, इसलिए हमेशा उस पर प्रहार किया जाता है। जो प्रहार करने वाला होता है वो अपना नाम करता है। तो फिर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए ना, फिर लोग इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं? हर्ट इसलिए होते हैं कि हमारे कुछ लोग हमको परेशान करते हैं ना। हमारे देश में रहने वाले लोग कहते हैं कि सनातन कैंसर है। हर्ट इसलिए, हर्ट उनसे तो हो ही नहीं रहा है, हम तो मान रहे हैं वो दुश्मन है, उनसे कहाँ हर्ट हो रहा है, उनके लिए तो हम लड़ रहे हैं, तीर तलवार लेके चल रहे हैं। हमारे देश में ही रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, हमको कार्ड नहीं आया। कार्ड नहीं आया मतलब राम आपका नहीं है क्या? आप इंतजार क्यों कर रहे हो कार्ड का? निमंत्रण किस चीज का है?
किसी घर में शादी हो रही है क्या? आप कहो मैं अयोध्या जाऊंगा, कोई मुझे रोक के दिखाए? कार सेवा के समय क्या निमंत्रण बांटे गए थे क्या? आज जो निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तब क्या कोठारी बंधुओं को कार्ड भेजा था संघ परिवार ने, विश्व हिंदू परिषद ने कि भाइयों आइएगा? एक परिवार से दो बेटे निकल के आ गए थे, तब क्या कार्ड आया था? क्या कार्ड लिख के आया था सब परिवार आइएगा? हम गए थे ना। आज आप इंतजार कर रहे हो कि मेरे को कार्ड नहीं आया? अगर आपने बोला है तो आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रामलला का जो मंदिर अब स्थापना होने जा रही है 22 जनवरी को, बैक देन जब भी इसका केस स्टार्ट हुआ है, तो ये आइडिया कैसे आया? मतलब कहाँ से ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ऐसे एविडेंसेस मिले इनिशियली एट फर्स्ट लेवल, कि जहाँ पे ये आइडिया आ गया कि यहाँ पे राम मंदिर था? अब राम मंदिर था कि तो पूरी गाथा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो तो मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा। अगर ये 7 जनवरी से पहले आपने देख लिया है तो जरूर आइएगा, रविंद्र भवन भोपाल में हो रहा है। और बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर गूगल सर्च करिएगा, उसमें पूरी कहानी बताई गई है। लेकिन आप हमें शॉर्ट में जरूर बताएं कि मतलब जरूर बताता हूँ, जरूर पता होना चाहिए। मेरा स्वार्थ ये नहीं है कि आप मेरा कार्यक्रम देखना है, मेरा विषय ये है कि आप तक बात पहुंचे, तो मैं इस मन से बता दूं। सबसे पहले पता कैसे चला जन्म स्थान है? मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान है इसमें, आप पूछेंगे कैसे। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य रामलला के दर्शन करने के लिए गए, अयोध्या भूमि गए, तो सबसे पूछ रहे थे भाई आप किसी अपने गांव चले जाएं पुराने, जहां से आपकी शुरुआत हुई हो, तो आप यही पूछोगे ना जाके कि मेरा पुराना घर कौन सा है, मेरे पिताजी की दुकान कहाँ थी, ऐसे ही पूछते हैं। तो विक्रमादित्य महाराज भी सबसे पूछ रहे थे कि राम का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, तो किसी ने बताया नहीं। तो वो सरयू नदी के किनारे बैठ गए जाके, सरयू नदी के किनारे बैठे तो एक बेहद काला व्यक्ति श्याम वर्णी काले घोड़े पे सवार होके नदी में अंदर गया और कुछ मिनट बाद बाहर आया। राजा विक्रमादित्य बड़े आश्चर्य में देखा कि जो व्यक्ति बाहर आ रहा है, जाते समय काला था, बाहर आते समय सफेद। तो उनका आश्चर्य बढ़ा, उन्होंने प्रेम पूर्वक जाके पूछा कि प्रभु आप हैं कौन, अभी मैंने क्या चमत्कार देखा? तो उन्होंने जवाब दिया मैं प्रयागराज हूँ, वही प्रयागराज जहाँ हम सब अपने पाप धोने जाते हैं। प्रयागराज जी ने कहा कि जब लोग मेरे अंदर पाप धोने आते हैं मैं श्यामवाणी हो जाता हूँ, मैं खुद को पवित्र करने के लिए सरयू नदी में आता। तब विक्रमादित्य जी को लगा कि शायद सही जगह पे सही सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि आप बता दीजिए जन्म स्थान कौन सा है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ, पर आप काशी विश्वनाथ चले जाओ। महाराज विक्रमादित्य काशी विश्वनाथ गए, वहाँ उनको एक ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण, वो ब्राह्मण स्वयं उनके पास चल के आ रहा था, प्रभु अपने काम खुद करता है। और ब्राह्मण के हाथ में एक गाय थी। तो राजा विक्रमादित्य को कहा रोक के स्वयं कि जिस उद्देश्य के लिए आए हो ये गाय ले जाओ, अवध नगरी में इसका भ्रमण कराओ अयोध्या में, और जिस स्थान पे गाय चारों थनों से दूध देने लगे वह जन्म स्थान है। राजा विक्रमादित्य वापस अयोध्या आए, भ्रमण करवाया, और एक स्थान ऐसा आया जहाँ आज भव्य राम मंदिर बना है, जो लड़ाई हमने लड़ी, जो आपने बताया कि पहला केस 1950 में रजिस्टर हुआ, वो जन्म स्थान तब पता चला था, विक्रमादित्य ने वो बनवाया था। वही फिर बाबर ने तोड़वाया, मीर बाकी ने तोड़ा, मेहताब सिंह लड़े, पूरी गाथा वहाँ से प्रारंभ होती है। तो पहला जन्म स्थान हमें महाराज विक्रमादित्य ने बताया। सर, जन्म स्थान का इतना वैल्यू क्यों अगर राम सर्वव्यापी हैं तो? ये भी अच्छा प्रश्न है। आप अपने 500 स्क्वायर फुट टुकड़े के लिए कोर्ट चले जाते हो, भाई भाई में लड़ लेते हो, बाप बेटे की लड़ाई होती है, परिवार लड़ जाते हैं, आपको वो 500 स्क्वायर फुट 1000 फुट की दुकान इतनी महत्वपूर्ण है कि आप रिश्ते छोड़ देते हो खुद के। राम के जन्म स्थान के लिए लड़ना नहीं चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? तो साक्षात ईश्वर थे, उनके लिए क्या मायने रखता है? अरे फिर आप घर में मंदिर मत बनवाइए, फिर आप पूजा पाठ मत करवाइए, आप दो विचार तो नहीं रख सकते। अगर राम सब जगह है तो फिर मंदिर क्यों? और मंदिर है तो बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। मैं तो सनातन और हिंदू धर्म में बहुत विश्वास रखता हूँ, और मुझे पता होना चाहिए मेरे राम का जन्म वहीं से, तो अनुभूति ऊर्जा का केंद्र क्या बनेगा? आप कहो फिर गंगोत्री क्यों? गंगा तो सब जगह से ही निकल रही है, आप बोल लो गंगोत्री का क्या औचित्य है, उसको बंद कर दो, नहीं कर सकते। माँ गंगा का वहाँ वहीं राम राज्य, राम जहाँ से जन्मे, जहाँ से ऊर्जा पूरे विश्व को मिल रही है, जो शक्ति जिस स्थान से हमको मिल रही है, आप कह रहे हैं उसके लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? अरे वो तो इतना भव्य होना, और हो भी रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये, जिनके नेतृत्व में ये हो रहा है। ईश्वर ने उनको चुना है, मैं कहूँगा ईश्वर ने उनको चुना है। हर कालखंड में ये सब चलता रहा, आज़ादी के बाद इतने सारे लोगों ने
अलग अलग तरीके से प्रयास किए, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में ये था, ईश्वर ने उनको चुना, उनको साधुवाद, उनके तप को प्रणाम, उनकी तपस्या को प्रणाम। बिल्कुल सर, तो जो रामलला का आइडल था वो गायब कैसे हुआ, प्रकट कैसे हुआ? मुगलों ने जब अटैक किया था तो वहाँ जो पुजारी थे, जैसे आपके घर में चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे, सबसे महत्वपूर्ण सामान पहले अपने साथ ले लोगे, फिर जब वापस घर मिलेगा तो वापस ला के रखोगे जब समय मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ, पुजारी जी ने सबसे पहले अपने रामलला को संभाला और फिर रामलला स्वयं प्रकट हो गए, ऐसा मान लो। सर, जैसे अयोध्या उनका जन्म स्थान, जन्मभूमि, वहाँ पे राम और उनसे उन पहले उनके पूर्वज और उसके बाद लव कुश, इतने पावरफुल वहाँ पे राजा, भगवान रूपी, भगवान ही, तो फिर क्यों अयोध्या का पतन हुआ, क्यों वो अपनी पीक से नीचे आया, ऐसा क्यों हुआ? अगर इतना ही पावर है तो वो क्यों नहीं मेंटेन रहा और आज तक क्यों नहीं मेंटेन है? ये भी अच्छा प्रश्न है, इसके लिए भी आपको बधाई। ईश्वर हम सबको जोड़ना चाहता है, ईश्वर चाहे तो आपके जीवन से दुख हटा दे, ईश्वर चाहे तो सबको करोड़ों रुपए दे दे, ईश्वर चाहे तो सबको मर्सिडीज में घुमाए, ईश्वर हमें दुख इसलिए देता है कि हम जुड़ जाएं। ईश्वर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कालखंड में हमें सिखा रहा था, हमें इकट्ठा करना था। वही सोई जो राम रची राखा, वही होना है जो राम चाह रहे हैं, ये सब भी राम चाह रहे थे। इस भाव के साथ अगर आप देखोगे तो आपको ये देखेगा कि सनातन एक हो रहा था, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा था, आज हम सब एक हैं, उत्सव का माहौल बना रहे हैं, हम एकत्रित होकर एक अपनी बात कह पा रहे हैं। ये सब आचरण को सिखाने की प्रक्रिया में था, ये मेरा वर्जन है। अब इसका कोई सही उत्तर तो हो नहीं सकता, ये सबका इंडिविजुअल व्यक्तिगत विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि राम हमको एक करना चाह रहे थे, राम हमको वो आचरण सिखाना चाह रहे थे जो शायद हम कभी भूल जाते हैं। तो जो हो रहा है वो राम ने ही रच के रखा है, हमें तो बस माध्यम बनना है। चलती हुई फिल्म में आप सवाल तो कर सकते हो पर फिल्म को नहीं रोक सकते हो, वो तो तय है। आपको देखना है, आपको एंजॉय करना है, आपको अच्छी लग रही है, आपको बुरी लग रही है, आप कमेंट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर उस जो फिल्म बन गई उसको बदल नहीं सकते। ये सब राम ने तय कर लिया है, आप देखते चलिए और आनंद में रहिए। सर, कहते हैं कि हम सब मनु के वंशज हैं, तो फिर आपस में ये हमें इससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, ऐसा क्यों, और अलग अलग धर्म ये सब क्यों डिवाइड हो गए? अगर हम मनु के ही वंशज हैं तो क्यों हम भाई बहन की तरह सब नहीं रह पा रहे? कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबके अपने अपने विचार हैं, संसार बना ही ऐसा है, इसको नहीं रोक सकते। हर किसी की अपब्रिंगिंग्स अपनी है, हर किसी की सोच अपनी है, विचार अपने, परिवार में रहन सहन अपना है। ये व्यवस्थाएं बनी बाद में, अच्छे के लिए बनी, बुरे के लिए नहीं बनी। हम बुरे थे तो इनको बुरा कर दिया। आपकी नज़र से भाई बहन साथ में नहीं रहे, पर मेरे संपर्क में एक ऐसा परिवार है जो 40 लोग एक साथ रहते हैं, एक ही किचन है, एक बहू सुबह खाना बनाती है, दूसरी दिन को बनाती है, तीसरी रात को बनाती है, और सब साथ में खाते हैं। हमको नज़र बदली तो नज़रिया बदला, हम साथ में रह रहे हैं। हम जिस बात को दोबारा बार बार कहते हैं वैसा हो जाता है, क्योंकि देश विरोधी लोग, उन्होंने इन विषयों को बहुत दम से रखते गए, इतना रखने का प्रयास किया कि वैसा आचरण होने लगा लोगों का। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप जितना पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में देंगे उतना वापस आपको 10 times मिलेगी। तो मैं बहुत आध्यात्मिक बात, वैसे मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरी कोई शिक्षा या दीक्षा नहीं है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो आप यूनिवर्स को देते हो वो यूनिवर्स वापस करता है। तो कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे बुरे होते हैं, राक्षस देवता हुए, ये है, वो हुआ है। तो ऐसे ही अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, किसी धर्म विशेष में नहीं होते, किसी एक जगह नहीं होते, एक परिवार में नहीं, सब जगह होते हैं। वो बट जाते हैं, कोई उनको किसी विशेष समाज का नाम देता है, कोई धर्म का नाम देता है, कोई कैसा, वो अलग चीज है, पर हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो आदमी का आचरण है वो। सर, मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि भांति भांति के लोग होते हैं, कैकई थोड़ा सा डिफरेंट मदर थी, अगर भरत थोड़े डिफरेंट भाई होते और वो राज को एक्सेप्ट कर लेते तो आगे का जो रामायण है वो उसका रूप क्या होता? क्या राम तब भी उतने महान होते? क्योंकि हमें कोई महान बनाते हैं दूसरे लोग, खुद महान होना, हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड महान नहीं हो सकते, अदर पीपल आर गोना मेक अस। तो क्या होता
अगर भरत एक्सेप्ट कर लेते राज। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा होता ही नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है। जो दशरथ के चार पुत्र हैं, परम प्रतापी महाराजा दशरथ के चार पुत्र सूर्यवंशी, जो बेटा अपने बाप के कहने पे, आप ये सोचो कि 16 साल का बेटा, 16 साल उम्र थी जब राजा राम को गद्दी पे बैठना था, सुबह उनका राजाभिषेक होने वाला है और रात को आपको बुला के कह दें कि कल आप नहीं बैठोगे सीट पे, तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा? आप तो लड़ लोगे निश्चित तौर पे। जब राम राम इसलिए राम नहीं हुए, राम इसलिए राम हुए कि उनमें धैर्य था, उनका आचरण अच्छा था, पिता की बात मानते थे, इसलिए राम हुए। जब राम मानते तो भरत कैसे नहीं मानेंगे, शत्रुघ्न कैसे नहीं मानेंगे, लक्ष्मण कैसे नहीं मानेंगे? तो ये होने की तो शून्य 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 संभावना भी नहीं है। तो ऐसे सवाल को मैं इसलिए भी यहाँ रोक देता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप तो सिर्फ इतना कह रहे हैं सिंहासन पहली बार उन्होंने तो खड़ा हुआ, या जिसे आजकल चप्पल कहते हैं अपन, वो रख के 14 वर्ष चला दिया। जब राम जी ने सरयू में समाधि ली, उसके बाद एक बार फिर उनको ही प्रस्ताव गया। ऐसा ही होता है ना कि जब बड़ा भाई चला जाता है तो फिर दूसरे वाले कहते हैं अब आप राजा बन जाओ, तब तो फिर मौका था, उनको बन सकते थे। अब जब आप तब उस समय बनाना चाह रहे हो तो अभी भी बन सकते हैं। एक बार फिर उन्होंने विनम्रता पूर्वक फिर से राजा बनने का प्रस्ताव ठुकराया और कुश महाराज को राजा बनाया, भतीजे के लिए मना कर दिया। आप तो भाई के लिए कह रहे हो, भतीजे को राजा बना दिया, वो भरत है। राम के समान अगर बड़ा भाई नहीं है तो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के समान छोटा भाई भी इस दुनिया में नहीं है। यही रामायण है, इसी से ही सीखना है, यही आचरण अपने जीवन में लेके आना है। आजकल पिताजी ने कुछ कह दिया तो हम लड़ लेते हैं, बीवी ने बता दिया कि आपकी माँ ऐसे करी तो उससे माँ ने बताई है, इसमें उलझे हुए हम। हमने छोटा सोच रहे हैं, हमने रिश्तों में विश्वास खो दिया, हमने रिश्तों में आस्था खो दी। आज किसी के पिताजी कहते हैं कि बेटा 14 तुम कमरे में बंद करके देखाओ 14 दिन के लिए, तो कोई रहेगा? बोलेगा पिताजी सनक गए, ऐसा ही कहेंगे ना। 14 वर्ष वनवास राजा होने के बाद कोई जाके तो दिखाए, वही राम है। तो इसका क्या डिनोट करता है ये 14 वर्ष जो वनवास थे, वो हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि पिता की बात माननी चाहिए, अगर आपके पिता गलत भी हैं तो भी माननी चाहिए। तो दशरथ जी सही थे, उन्होंने भी अपना वचन निभाया था, क्योंकि यही कथा हमको सिखा रही है, वचन का मोल, प्रतिज्ञा का मोल क्या होता है। आप किसी को बोल के आते हो 6 बजे आ रहे हो, आप 7 बजे तक नहीं पहुंचते हो, कई बार तो मैसेज करते हो 8 बजे की, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगा, आप अपने इतने से वचन को कायम नहीं रख पाते हो। तो ये हमको सिखाता है कि पिताजी ने अगर कह दिया तो वो सही है, अपने पिता के प्रति सम्मान सिखाता है हमें, और यही अनुसरण हमको करना है। राम खुद वनवास अपने लिए नहीं गए, हम सबके लिए चले गए थे, हम समझ नहीं पा रहे बस। तो फिर इसका अर्थ तो ये है कि जब हमें मजबूरी में कुछ करना है, मजबूरी नहीं कहूँगी मैं, मतलब अगेंस्ट विल या अगेंस्ट द सिचुएशन, सिर्फ इसलिए कि फादर ने कहा, तो हम तो जिंदगी पर दुख में ही रह जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है, हम अपना सपना कैसे जिएंगे? हो सकता है आप जब अपने लिए सोचते हो तो आप मनुष्य हो, जब आप दूसरे के लिए सोचते हो आप भगवान बनते हो, आप राम बनते हो, आप संत बनते हो। मैं बहुत ही 5th क्लास के बच्चे की तरह एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मैं मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मेरे फादर बोले नहीं डॉक्टर ही बनना है, तो इज दिस नॉट रॉन्ग? नहीं, 5th क्लास में क्या आपको उतनी समझ आ गई है? आई मीन लाइक ऑन दैट लेवल। आप बड़े हो गए, मैं 12वीं कक्षा का पूछा, आपके पिता ने आपको जन्म दिया, आपके मतलब आप सबके, मेरे पिता ने, मैं अपने लिए बात करता हूँ, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा हमारे लिए, वो बड़े हो रहे हैं, दुनियादारी हमसे ज़्यादा उन्होंने जी, उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। आप बहुत टेक्निकल और बहुत ही माइन्यूट चीज़ पे जा रहे हैं, पढ़ाई पे जा रहे हैं, ये मैं एक आचरण में उससे बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ शायद, तो इसलिए आप 1-to-1 तो मुझे क्रॉस कर सकते हैं कि ये सही है कि ये गलत है। एक बार एक बड़े आभामंडल में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं पिता का सम्मान करता हूँ तो मैं आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देके जाता हूँ। आज अगर आप आपके घर में छोटा बच्चा है 5 साल का 6 साल का और आप अपने सासू माँ से या मैं अपनी माँ से सही आचरण नहीं करूँगा तो मैं क्या अपेक्षा करूँगा कि वो मेरी वाइफ से जब हमको जरूरत पड़ेगी वो सही आचरण करेगा? एक माँ थी, उसको वृद्धाश्रम छोड़ के आए थे उनके बेटे, तो जब माँ अंतिम पलों में थी तो बेटे को बुलाया गया, तो बेटे ने पूछा माँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो माँ ने बस ये कहा कि यहाँ पंखा लगवा देना। तो बेटे ने कहा कि अब तो जा ही रही है, अब क्यों पंखे की बात, अब तो जाने की बात, कहना तो तब था जब पंखे की जरूरत थी।
तो बेटे ने माँ से सवाल भी किया कि माँ आप तो उस पलों में हो कि एक घंटे की चार घंटे, अब पंखे की क्या जरूरत है जब पूरा जीवन निकाल लिया। तो माँ ने कहा कि मैं तो रह गई, मेरी बहू नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया घूम के तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि जो पोता यहाँ खड़ा है ये भी यही आचरण सीख रहा है। जाते जाते माँ बहू की चिंता कर रही थी, क्योंकि माँ को ये मालूम था कि जो मुझे मिल रहा है ये लौट के वापस आएगा, ये आचरण है, हमें अच्छा ही करना चाहिए, वापस आने वाला है। वेरी ट्रू, बहुत ही खूबसूरत। कमिंग बैक टू सर, राम मंदिर, राम मंदिर रिलीजियस डाइवर्सिटी को कैसे एक करेगा सर? क्यों नहीं करेगा, तमिलनाडु के वहाँ पे कारीगर लगे हुए हैं, अलग अलग धर्म के लोग उसको बना रहे हैं, मजदूर का कोई आधार कार्ड चेक नहीं हुआ है कि वो ब्राह्मण है कि सिख है कि ईसाई है कि मुस्लिम है, जो उसको बना रहे हैं। कैसे नहीं डाइवर्सिटी, अभी डाइवर्सिटी शुरू हो गई है, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। क्या वहाँ पे अयोध्या पे कोई बैरिकेड लगाया गया है कि आधार कार्ड चेक होगा कि मोहित शिवानी जाएगा या अब्दुल खान नहीं जा पाएगा? जिसकी राम में आस्था है वो जाएगा, वो डाइवर्स जगह है और पूरा विश्व आ रहा है। आप रुकिए तो सही, आप देखिए तो सही, विश्व का आकर्षण का केंद्र बनेगा मेरा राम मंदिर, आस्था का केंद्र बनेगा राम मंदिर, बन चुका है। डिप्लोमेटिक टाइज भी स्ट्रॉन्ग करेगा क्या इंटरनेशनल लेवल पे? हाउ विल इट कंट्रीब्यूट? अरे आपके जब नेता मजबूत होते हैं, जब ये संदेश अमेरिका में जाता है, ये संदेश कनाडा में जाता है, ये संदेश लंदन, यूएस, पेरिस सब जगह जाता है कि एक नेता ने ऐसा काम किया जो 150 वर्ष तक नहीं हो रहा था, 500 वर्ष तक नहीं हो रहा था, वो अपनों से लड़के, गृह युद्ध सबसे बड़े होते हैं, बाहर के लोगों से तो आप लड़ सकते हो, अपनों को लड़के, अपनों को समझा के, अपनों को प्यार से, डिप्लोमेसी तरीके से, जब आप देश में राम मंदिर स्थापित कर सकते हो तो आप विश्व में कोई भी निर्णय ले सकते हो, आप विश्व गुरु बन चुके हो। अब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम 2047 में विश्व गुरु बन जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ आप बनने की राह पे, आप बन चुके हो, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है। सर आपको क्या लगता है, हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ डिसीजन, बीइंग की कॉन्स्टिट्यूशन का वो रखवाला है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सब चीज़ को बैलेंस आउट करना है? न्याय कभी बैलेंस नहीं करता, न्याय न्याय करता है। आप और मैं बैलेंस करते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। न्याय का काम है न्याय करना, न्याय ने न्याय किया, उन्होंने वो किया जो सही था, वो इसमें ज्यादा विचार, बाकी तो कानून व्यवस्था को संभालना था। आप देखिए क्या खूबसूरत तरीके से जब निर्णय आया तो कोई यहाँ का वहां नहीं गया, सब खुश थे, ढोल मंजारे बज रहे थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये नेतृत्व का काम था, वो प्रधानमंत्री ने काम किया, वो प्रशासन का काम था जो प्रशासन ने किया, बहुत अच्छा किया, उन सबको साधुवाद। जिस दिन निर्णय आया उससे कुछ घंटे पहले लोगों में पता नहीं क्या आवाज थी, क्या होगा, कैसे होगा, 92 में तो ये हो गया था, 93 में तो ये हो गया था। ये नेतृत्व का काम था कि उसको अच्छे से बैलेंस करना, न्याय का काम था न्याय करना, दंड भी ऐसा दिया जाता है कि दंड जैसा हो और न्याय भी ऐसा किया जाता है कि न्याय जैसा हो। और ये न्याय जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है, ये इतिहास याद रखेगा इसको, आप सबका साधुवाद। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत सर। कंसिडरिंग द कॉस्ट बींग इन्वॉल्व इन दिस एज अ कल्चरल हेरिटेज, ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा? अब बहुत ही सटीक सवाल है, कल्चरल हेरिटेज आपके टूरिज्म को इतना बढ़ावा मिलेगा कि आज वर्ल्ड की सब बड़ी होटलों ने अयोध्या में अपने प्लॉट खरीद लिए, बड़े बड़े, और बनना चालू कर दिए। वर्ल्ड की बड़ी ट्रेवल एजेंसीज अयोध्या पहुंच चुकी हैं, वर्ल्ड के बड़े ट्रेवल प्लानर्स अयोध्या को लिस्ट में लेके आ गए हैं। ये आपको यहाँ से बड़ा, और ये नहीं कि आपको धन मिलेगा, आपको वर्चस्व मिलेगा, आपको यश मिलेगा, आपके सनातन को नाम मिलेगा। वैसे सनातन को किसी की जरूरत नहीं है, लोगों को सनातन की जरूरत है, पर उन लोगों के लिए जो अभी भी हमसे छूटे हुए हैं, जिनको सनातन की सही परिभाषा सिखानी, हिंदुत्व दिखाना है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज से 20 दिन पहले मैं अयोध्या रामलला के दर्शन करके आया, मैं वहाँ माहौल को देख के आया। सच पूछिए, सब कुछ राममय है। उस धरती पे जाने के बाद जब आप उस गली से वहाँ मंदिर तक जाते हैं तो आपकी आपके विचार बदल जाते हैं, आपके भाव बदल जाते हैं। जब लोग वहाँ आएंगे तो हम सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लोगों की लाइफ को ठीक कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, हम जीवन में नैतिक मूल्य सिखाएंगे। तो इसलिए कल्चरल हेरिटेज बनेगा, मॉरल वैल्यूज का हेरिटेज बनेगा, जहाँ यहाँ लोग आएंगे तो राम पे चर्चा करेंगे, जब राम पे चर्चा करेंगे तो राम के आचरण पे चर्चा करेंगे, और जब राम के आचरण पे चर्चा करेंगे तो उसका अनुसरण भी करेंगे। और आपका विश्व जब राममय हो जाएगा तब आप कहेंगे भारत का बच्चा बच्चा
जय श्री राम गाएगा। जय श्री राम कहेगा, बिल्कुल। कमिंग टू दिस गाथा राम मंदिर की, जी। ये जो आपका म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग है, तो इसके बारे में हम आप कुछ बताइए कि आप किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आप क्या देखते हैं? जिस उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ कि जैसे राम कथा आप सबको कंठस्थ है, जैसे राम का आचरण आप सबको मालूम है कि राम को वनवास क्यों हुआ, राम जब वापस आए तो क्या हुआ, कितने भाई थे, राम कथा आपको मालूम है। मेरा उद्देश्य ये है, मेरे मित्र प्रबुद्ध सौरभ का उद्देश्य ये है कि हम राम मंदिर की गाथा आपको बताएं। 11,000 साल राम राज्य जो रहा, उसके बाद बड़ी लड़ाई जो मुगलों के समय हमने देखी, अंग्रेजों के शासन में देखी, और आज़ाद भारत में हमने लड़ाई देखी। देश आज़ाद हो चुका था 1950 जब पहला केस रजिस्टर किया जा रहा था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में पहली बार केस रजिस्टर किया। केस की पहली दो अर्जियां लगाई गई। पहली अर्जी ये लगाई गई कि राम लला जो बंद है ताले में, ताला खोलकर पूजन की अनुमति दें। पूरा देश आज़ाद है और देश का राजा आज़ाद नहीं था, कैद में था। पूरा देश वंदे मातरम, भारत माता की जय, आज़ादी के नारे लगा रहा था। हम सब खुश हो रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश को एक साथ कर रहे थे, और देश का जो सच्चा राजा है, भारत का जो सही राजा है, जहाँ से भारत की पहचान है, वो अभी भी ताले में था। लड़ाई तो आज़ादी की यहाँ से चालू हुई। लोगों ने कहा देश आज़ाद हुआ, मैंने कहा नहीं, मेरे राजा अभी भी कैद हैं, मेरे राम अभी भी कैद हैं, वो ताला खोलना था हमें। एंड हाउ दिस म्यूजिकल थिंग केम इनटू योर माइंड? देखिए, जब हम मंच पे होते हैं तो एक कलाकार के नाते मेरी ये नैतिक जवाबदारी है कि जो दर्शक मुझे सुनने आते हैं वो सुने भी, उनको बोझिल भी नहीं लगे इतिहास, क्योंकि हमेशा ही लोगों की रुचि का विषय उतना नहीं रहा है। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी हिस्ट्री से थोड़ा भागता था, क्योंकि उसमें वो तथ्य है और तथ्यों को सुनना और समझना कठिन रहा है। हम भाग जाते हैं, सच लिखा है ना, क्योंकि सच से हम भागते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, हमारी पूरी टीम का ये प्रयास है, शुभम नाथानी जी, दीपाली दुबे जी, हम सब जो संगीत का काम कर रहे हैं, हम सबका ये प्रयास है कि इस तरीके से आपको पूरी कहानी बताई जाए, 1.5 घंटा 1.75 घंटा जितना समय हम आपसे जुड़े रहें। एक तो आपको ये नहीं लगे कि कितना समय और चलेगा, आपको ये लगे कि इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, तो इसलिए संगीत को इसमें जोड़ा गया, क्योंकि संगीत कानों के रास्ते आपके दिल में जाता है और आपके दिल तक पहुँचने का सफर तय करना है, तो संगीत को चुना गया। और हमने म्यूज़िक को भी वैसे म्यूज़िक को रखा जो आपके कानों को प्रिय है। तो संगीत जब आप सुनेंगे, आप में से कोई दर्शक देखने आएंगे, तो आपको आनंद अंदर से आएगा। संगीत इसलिए रखा गया और इसको उस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जब आप 0 से 100 की स्टोरी सुनेंगे तो आप कहीं भी ब्रेकर नहीं आना चाहिए। तो स्मूथनेस बनाने के लिए संगीत को रखा गया। एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा इसमें छोटा सा योगदान है, मैं कहानी बता रहा हूँ। एक मित्र ने लिखा है, प्रबुद्ध सौरभ, जिनका दोबारा नाम ले रहा हूँ, अध्ययन उनका है, बोल में रहा हूँ, शब्द उनके हैं, और बाकी सब लोगों की बड़ी तैयारी है, भोपाल, राजधानी भोपाल के, नागपुर के, बम्बई के बड़े कलाकार मंच पे सबसे छोटा मैं हूँ, बाकी सब बहुत रिच लोग हैं जो मंच पे काम कर रहे हैं। निश्चित ही लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो सर, द मधु चौधरी पॉडकास्ट की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आएंगे देखने? बिल्कुल, हम आएंगे देखने। मैं अपनी पूरी टीम के साथ प्लीज आइएगा, स्वागत है आपका ना। और हम ये चाहेंगे कि बहुत सक्सेसफुल हो, ग्रैंड सक्सेस होना चाहिए ये शो। ऑल द बेस्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो एंड ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपने जो आज चर्चा की है, ये निश्चित ही न केवल जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए तो है ही है, पर ये आने वाली पीढ़ी जब सुनेगी, तो जो हमने आज राम पे चर्चा की है, इसको मैं सत्संग की तरह लेता हूँ, इसको पॉडकास्ट नहीं लेता हूँ। जब सच की बात होती है तो सत्संग माना जाता है। और मैं आपको साधुवाद देता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने मेरी सफलता के लिए प्रार्थना की है, मैं भगवान श्री राम से आपकी सफलता की प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही आप बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते रहें, अच्छे लोगों को बुलाएं और अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम, ये 2 अक्षर का नाम कितना आत्मसात करने योग्य है। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। बाय बाय।